हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से लॉन्च होने वाले एक और नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। Xiaomi की तरफ से Redmi Note 11 सीरीज 28 अक्टूबर 2021 को चाइना में लॉन्च की जा रही है एंड तीन स्मार्टफोन इस सीरीज में लॉन्च होने वाले हैं, Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 Pro 5G एंड Redmi Note 11 Pro Plus 5G। कल भी मैंने Redmi Note 11 सीरीज को लेकर के एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको Redmi Note 11 एंड 11 Pro के पॉसिबल स्पेसिफिकेशंस आपको बताए थे एंड कल जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो Redmi Note 11 Pro Plus को लेकर के ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से Redmi Note 11 Pro Plus से जुड़ी सारी की सारी स्पेसिफिकेशन लीक कर दी गई हैं। तो अगर आपको Redmi Note 11 या 11 Pro के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में लिंक देता हूं, जाकर के वो वाला वीडियो जरूर से देखना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 11 Pro Plus से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होने वाला है, ओवरऑल कैसा रहने वाला है ये फोन, सारी चीज डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को, लेकिन बातचीत को स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से मन की बात कर लेते हैं। फाइनली हमारे चैनल के ऊपर 100K की फैमिली कंप्लीट हो गई है एंड थैंक यू सो मच पीटीवी फैमिली जो आपने अभी तक सपोर्ट दिखाया है, जितना मोटिवेट आपने किया है वीडियोज बनाने के लिए उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। वैसे 100K का एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो मैं जरूर से बनाऊंगा, लेकिन 100K होने के बाद मैं पहला वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आपको थैंक्स बिना बोले बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। सो थैंक यू सो मच पीटीवी फैमिली, जैसा आपने अभी तक सपोर्ट किया है आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, अभी हमको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। सो प्लीज गाइस कीप सपोर्टिंग। एंड एक और चीज मैं सोच रहा था, कल सैटरडे है तो कल शाम को 6 बजे इंस्टाग्राम लाइव किया जाएगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा एक, वहां पर आप वोट कर सकते हैं कि आपको इंस्टाग्राम लाइव में इंटरेस्ट है या नहीं है एंड इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूंगा। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहां पर लाइव बातें करेंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे भाई। सो यस, अगर इंस्टाग्राम पर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज डू फॉलो। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को और सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको सॉलिड मिलने वाली है, फुल ग्लास बिल्ड रहेगा, ग्लास फ्रंट ग्लास बैक, एल्यूमिनियम का फ्रेम यहाँ पर आपको मिलेगा, बैक में आपको एंटी ग्लेयर मैट ग्लास देखने के लिए मिलेगा, फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 का प्रोटेक्शन मिल सकता है। यस, डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से क्लियरली लिखा गया है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 का प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो बिल्ड क्वालिटी तो सॉलिड रहने वाली है एंड डिजाइन की अगर बात करें तो हल्के फुल्के रेंडर्स लीक हुए हैं, पूरा डिजाइन तो नहीं आया है, लेकिन आप जज कर सकते हो कि फोन दिखने में कैसा रहेगा। बैक पैनल की अगर बात करें तो टॉप लेफ्ट में यहां पर आपको रेक्टेंगल शेप कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग है, एलईडी फ्लैश आपको मिल जाएगा, उसी के अलावा रेडमी की ब्रांडिंग आपको पीछे की तरफ मिलेगी। और फ्रंट में अगर बात करें तो सेंटर पंचोला आपको मिलेगा, पतले पतले से बेजल्स, हल्की सी चेन आपको मिलेगी, ग्रीन कलर ऑलरेडी Xiaomi की तरफ से टीज कर दिया गया है, एक ब्लैक कलर डेफिनेटली आपको मिलेगा एंड उसी के साथ में एक लाइटर वेरिएंट देखने के लिए मिल सकता है, मतलब कलर्स के मामले में व्हाइट कलर क्रीम कलर ऐसा कोई सा कलर देखने के लिए मिल सकता है। सो यस, बिल्ड क्वालिटी के मामले में सॉलिड है, डिजाइन भी फोन का काफी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। डिस्प्ले की अगर बात करें 6.67 इंचेस का यहां पर आपको डिस्प्ले मिलेगा जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आएगा, 10 बिट का एमोलेड पैनल यहां पर आपको मिलने वाला है, सेंटर पंचोल वाला डिस्प्ले मिलेगा। तो 10 बिट का एमोलेड पैनल मतलब 1 बिलियन के आसपास आपको कलर्स देखने के लिए मिलेंगे, कंटेंट वॉचिंग में आपको मजा आने वाला है भाई। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा, 398 ppi के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, उसी के साथ में HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन यहां पर आपको मिल जाएगा, 1000 निट्स की यहां पर आपको पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल सकती है, 800 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस हो सकती है। तो भाई डिस्प्ले क्वालिटी कंटेंट वॉचिंग के लिए तो सॉलिड रहने वाली है एंड गेमिंग वगैरह की अगर बात करें तो 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट यहां पर आपको मिलेगा एंड पॉसिबली 300 हर्ट्ज या 360 हर्ट्ज का यहां पर आपको टच सैंपलिंग रेट देखने के लिए मिल सकता है। सो यस, डिस्प्ले क्वालिटी जो है चाहे कंटेंट वॉचिंग हो चाहे गेमिंग हो दोनों के लिए सॉलिड मिलने वाली है, डिस्प्ले क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इस फोन को शक्ति देने के लिए इस फोन में आपको मिलेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 AI चिपसेट। AI मतलब थोड़ा सा कस्टमाइज्ड है, थोड़ा सा ट्वीक्ड है, जो डायमेंसिटी 1200 जनरली रहता है, जो बाय डिफॉल्ट डायमेंसिटी 1200 है उसके ऊपर थोड़े से ओपन सोर्स ट्वीक किए गए हैं एंड सेम चिपसेट आपको OnePlus Nord 2 में देखने के लिए मिलता है। सो यस, ये वाला चिपसेट यहां पर आपको मिलेगा, चिपसेट काफी अच्छा है, 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया रहती है, हीटिंग का इशू आपको काफी कम मिलता है, 3.0 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, A78 वाले कोर्स मिलते हैं, CPU परफॉर्मेंस मक्खन मिल जाती है, गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए ARM Mali G77 MC
इसकी 9 जीपीयू मिलता है जो कि 9 कोर का जीपीयू है, गेमिंग आपको बढ़िया करा देता है, तो उसमें आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। LPDDR4X रैम मिलेगी, UFS 3.1 वाला स्टोरेज मिलेगा। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है, परफॉर्मेंस आपको टॉप क्लास मिलने वाली है। कैमरास की बात करते हैं, 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ मिलेगा, जहां पर प्राइमरी कैमरा रहेगा 108 मेगापिक्सल का। यहां पर आपको मिलेगा सैमसंग का HM2 सेंसर। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको EIS के साथ में मिलेगा, OIS अभी भी यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। उसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का दिवाली की सफाई चल रही है, डस्ट वगैरह काफी ज्यादा उड़ रही है, गला चोक हो जाता है भाई, सीरियसली बड़ा बड़ा डिफिकल्ट है अभी वीडियो बनाना। तो 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर यहां पर आपको मिलेगा। 3 कैमरास पीछे की तरफ दिए गए हैं, एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां पर टेली मैक्रो लेंस क्यों गायब किया गया, जबकि टेली मैक्रो लेंस को इतना अच्छा हाइप मिला है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो टेली मैक्रो लेंस क्यों गायब किया गया है, दैट इज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन। हो सकता है कि भाई टेलीमेट्रो लेंस देखने के लिए मिल जाए, डेप्थ सेंसर यहां पर आपको ना मिले। तो 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ मिलेगा, फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा, रेयर कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 60 FPS पर, फ्रंट कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो कैमरा सेटअप यहां पर आपको अच्छा मिलने वाला है, कैमरा सेटअप में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। बैटरी की बात करें, 5000mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलेगी, तो बैटरी का साइज काफी अच्छा है, बैकअप आपको काफी सॉलिड मिलेगा, एमोलेड पैनल है, 6 नैनोमीटर का चिपसेट है और 5000mAh की बैटरी है, एंड दैट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन फॉर बैकअप। अच्छा सॉलिड बैकअप आपको मिलने वाला है। इन केस अगर डिस्चार्ज हो जाता है फोन, तो 120 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा, 120 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, एंड दैट इज अ क्रेजी थिंग मैन। 120 वॉट की चार्जिंग यहां पर आपको मिलने वाली है, तो भाई काफी तगड़ा बैटरी मॉड्यूल आपको मिलने वाला है। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा। उसी के अलावा सेंसर्स की बात करें, सिक्योरिटी प्राइवेसी की अगर बात करें, तो एक बार फिर से यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिल जाएंगे, NFC यहां पर आपको मिलेगा, IR ब्लास्टर यहां पर आपको मिलेगा, तो एक दो सेंसर ज्यादा ही यहां पर आपको मिलने वाले हैं, सेंसर में आपको कोई कमी मिलने वाली है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, एंड्रॉइड 12 का अपडेट बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा, MIUI 12.5 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, MIUI 13 का अपडेट आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। सो यस, सॉफ्टवेयर में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका ठीक ठाक रहने वाला है। ऑडियो एक्सपीरियंस की अगर बात करें, तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे, जिनकी ट्यूनिंग की जाएगी JBL की तरफ से, तो ऑडियो आउटपुट भी यहां पर आपको काफी अच्छा मिलना चाहिए, ऑडियो में भी आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। एंड उसी के अलावा कार्ड स्लॉट यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड अपने फोन के अंदर नहीं घुसेड़ सकते हैं। वेरिएंट्स की अगर बात करें, तो 2 वेरिएंट्स में फोन लॉन्च किया जा सकता है, 8+128 एंड 8+256। एंड प्राइस की बात करें, तो डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से प्राइस भी लीक कर दिए गए भाई। 8+128 चाइना में लॉन्च हो सकता है 2199 युआन में, मतलब 25,712 रुपए के आसपास, एंड 8+256 2499 चाइनीज युआन, मतलब 29,220 रुपए के आसपास। इंडिया में जब आएगा तो 2-2.5 हजार रुपए ऊपर उठा लो, लेकिन ये वाला स्मार्टफोन शायद ही आपको इंडिया में देखने के लिए मिले, अगर मिलेगा भी तो किसी और नाम से मिलेगा, रेडमी नोट 11 सीरीज में तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपको स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन कैसे लगे, एंड अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में आता है तो क्या आप इस स्मार्टफोन को लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, और लेना पसंद करेंगे तो किस प्राइस पॉइंट पर लेना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।